हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धांसू और ख़तरनाक होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को देख के आपके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी, nice। तो गाइस, आज की वीडियो में सिंपली से मतलब कुछ बताने वाला हूँ अपना ऑल इन वन। ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपके बताने वाला हूँ अपना नेक्स्ट इलाइट पास डिस्काउंट कब तक आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ ही साथ गाइस कौन सा इवेंट में आपको इलाइट पास डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या मिस्ट शॉप आएगा। और इस वीडियो में गाइस ऑल इन वन, जैसे कि मैंने बोला, इसमें आपको डायमंड रॉयल, वेपन रॉयल, इंक्यूबेटर्स और गोल्ड रॉयल सभी के बारे में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस पहला जो अपना इवेंट है ये देख सकते हो गाइस, ये कुछ इवेंट नहीं है, ये अपनी लॉबी है जो कि गाइस अपने फोर्थ एनिवर्सरी के दौरान आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो गाइस ये लॉबी कुछ कंफर्म तो नहीं है, लेकिन गाइस यही अभी तक की जो हमारा लीक्स निकल के आ रहा है, कुछ इसी तरीके की लॉबी आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है गाइस यही लॉबी आपको देखने के लिए मिले, लेकिन कंफर्मेशन तो कुछ कह नहीं सकते, गरीने वाले कुछ भी कभी भी चेंज कर देते हैं। तो चलिए गाइस अभी आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस अपना नेक्स्ट इंक्यूबेटर होने वाला है अपना, ये जो देख रहे हो, ये जो अपना चारों है गाइस, इन चार इस तरीके के इंक्यूबेटर आपको देखने के लिए मिल सकता है। जो अपना टॉप वाला है वो अपना 7 स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट से देखने के लिए मिलेगा, और सबसे थर्ड मतलब जो एंड वाला है वो 3 स्टोन और 1 ब्लूप्रिंट से देखने के लिए मिलेगा। और बीच वाला तो आपको मालूम ही है, और जो सेकंड वाला है वो आपके लिए 2 ब्लूप्रिंट और 4-5 स्टोन चाहिए था शायद से। हाँ गाइस इतने स्टोन में आपको निकलेगा, आपको मालूम होगा, एक बार चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब यार फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला मेरे को मालूम नहीं होता है, एंड वाला का नहीं मालूम। और गाइस अगर वो नहीं आए तो कुछ ये वाला इंक्यूबेटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आपको MP5 का स्किन दिया जा रहा है। यहाँ पे जो गाइस जो फोर्थ नंबर पे एकदम गोल्डन वाला दिख रहा है, ये अपना टॉप वाला होगा, इसका गाइस डबल रेट ऑफ फायर और सिंगल डैमेज होगा, और कुछ माइनस होगा शायद से, वो मैगजीन माइनस हो गया, फिर लोड स्पीड इसका माइनस दिया जाएगा। और गाइस जो अपना ये ब्लू वाला देख रहे हो, जो सबसे ऊपर टॉप पे से नंबर वन दिख रहा है, ये गाइस अपना फोर्थ वाला होगा। मतलब इसके लिए बस 1 ब्लूप्रिंट और 3 स्टोन से आपको इसे क्लेम करना होगा, मतलब 1 ब्लूप्रिंट चाहिए होगा। अभी गाइस बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इलाइट पास डिस्काउंट के इवेंट के बारे में। तो गाइस ये जो इवेंट देख रहे हो, चेंज योर फेट इवेंट, ये गाइस इसके आने के चांसेस है, क्योंकि ये अपने इंडिया में बहुत दिनों से नहीं आया, मतलब गाइस बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मतलब करीब करीब 1 साल तो नहीं बोल सकते, 7-8 महीने 9 महीने हो चुके हैं शायद से गाइस इसके, कि अपने इंडिया सर्वर में नहीं आए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि इस बार आए, वैसे कन्फर्म तो नहीं है, शायद से ये वाला इवेंट आपको देखने के लिए ना ही मिले, क्योंकि गाइस आपको मालूम ही है इस बार आपको इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट देखने के लिए नहीं मिला है। तो गाइस अगस्त में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको मालूम है 1 महीना नहीं आता, 2 महीने नहीं आता, तो 3रे महीने आपको मालूम है जरूर आता है। अभी गाइस बात कर लेते हैं अपने जो दूसरे सर्वर पर अपने लाइट पास डिस्काउंट इवेंट चल रहा है, कुछ इस तरीके का चल रहा है गाइस, देख सकते हो हमारे यहाँ बिल्कुल सेम चीज़ आई थी, मतलब देख रहे हो गाइस बिल्कुल सेम इवेंट है, और गाइस अपने इंडिया सर्वर पर ये नहीं डाला गया इलाइट पास डिस्काउंट, मतलब इलाइट पास डाला ही नहीं गया। और देख रहे हो कितनी रेयर रेयर चीज़ें नीचे दी गई है, मतलब बॉक्सेस जिसके लिए, जिससे आप गन को अपग्रेड करते हो, लेवल 4, 5, 6 जो करते हो आप लोग, वो भी इसमें दी गई है। तो गाइस अपने इंडिया सर्वर में इतना भेदभाव किया जा रहा है, और सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टॉपअप करते हैं गाइस। ठीक है, और जो जो उनसे सर्वर पर ज़्यादा टॉपअप होता है, उन सर्वर पर ज़्यादा चीज़ें नहीं आती, मतलब डिस्काउंट पर चीज़ें नहीं आती। अभी गाइस बात कर लेते हैं, ये जो इवेंट देख रहे हो, ये अपने इंडिया सर्वर में आ सकता है आपके 23 या फिर 22 तारीख को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और सुबह सुबह 8-9 बजे के बाद ही आता है ये, मतलब जो लाइट पास डिस्काउंट इवेंट है। तो कुछ इस तरीके के इवेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें गाइस आपको स्पिन करना होता है, और आपका 80% या फिर 90% या फिर 90% शायद अभी दिया नहीं गया, मैं देखता हूँ कितना है, अभी रुको गाइस, ये सब चीज़ें देख सकते हो। इसमें क्रोनो दिया गया, लेकिन अपने सर्वर में इतनी ज़्यादा रेयर चीज़ें नहीं दी जाएगी, अपने दूसरे सर्वर में चल रहा है गाइस, देख सकते हो इसमें जो ज़्यादा रेयर चीज़ें वो अपने इंडिया सर्वर में नहीं दी जाती। ठीक है, तो गाइस आपका 80% तक हो सकता है ऑफ, और साथ ही गाइस यहाँ पे आपका 9 डायमंड में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई कन्फर्म नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 50% तो ऑफ हो गई, मतलब यार 250 डायमंड में आपको इलाइट पास मिल सकता है, अगर 50% हो गया तो, सबसे मिनिमम बता रहा हूँ यार, आप 9 डायमंड में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, देख सकते हो। प्राइज वेस्ट इसमें थोड़ी बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दी जाती है, सही बताऊँ तो यार मिस्टर शॉप से तो इसमें अच्छा ही दिया जाता है मेरे हिसाब से। भाई आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वैसे गाइस क्या इसमें आएगा, तो आप इलाइट पास यहाँ से खरीदोगे कि नहीं। ठीक है, अभी गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और हम बात कर लेते हैं अपने न्यू मतलब कोलैबोरेशन के बारे में। आपको मालूम है गरीना का हर महीने बोल रहा हूँ, बहुत बार कोलैबोरेशन होता रहता है, हर कुछ दिनों में होता रहता है। तो नेक्स्ट कोलैबोरेशन के दौरान कुछ इस तरीके ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, अपना नेक्स्ट न्यू M187 और ये न्यू ये थॉमसन का स्किन, साथ ही एक ग्लोवल का स्किन भी है। ग्लोवल का स्किन भाई मुझे सही बोले तो थोड़ा अच्छा लगा, खतरनाक लगा। वैसे ये गन की स्किन मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी ये स्किन,
वैसे गाइस ये ग्लूअल का स्किन मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा, देख सकते हो गाइस इसका मतलब एनिमेशन तो नहीं लेकिन इसका थोड़ा कलर थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लगा मेरे को बाकी सब कंपैरिजन में, है ना। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में बता देना ये ग्लूअल का स्किन। वैसे गाइस मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। अभी गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो गाइस ये जो देख रहे हो अभी जो मैंने आपको दिखाया ये है गाइस अपना M187 का स्किन और इसके एट्रीब्यूट्स ये वीडियो में थोड़ा आगे चल के बताऊंगा मैं, ठीक है। हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना मगर भूलिए मत, ओके। तो गाइस ये हमारा हो सकता है नेक्स्ट वेपन रॉयल, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल हो सकता है। वैसे गाइस कोई कंफर्म नहीं है, 50-50 है। एक और अभी गन की स्किन दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी अपना हो सकता है नेक्स्ट वेपन रॉयल। वैसे गाइस इन दोनों में से कुछ आएगा या फिर गाइस पिछला वाला हमारा जो वुडपेकर स्किन रह गया था वेपन रॉयल में आना वो भी आ सकता है। वैसे गाइस वो भी आने के चांसेस तो हैं लेकिन गाइस कुछ नहीं कह सकते, ये भी आ सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, ये आ सकता है। अभी गाइस बात कर लेते हैं सेकंड गन स्किन जो हमने वेपन रॉयल में आ सकती है वो है गाइस अपनी थॉम्सन की स्किन, ठीक है, ये अपना नेक्स्ट मतलब जो कोलैबोरेशन के दौरान आपको वेपन रॉयल के अंदर दिख सकता है। इसका एट्रीब्यूट भी वाइस डबल रेंज और गाइस पिछला वाला जो अपना M187 दिखाया है उसका भी डबल रेंज का एट्रीब्यूट्स है। वैसे जो माइनस रहता है वो सब मुझे नहीं मालूम चला लेकिन इसका जो एट्रीब्यूट्स जो मेन होता है उसका डबल रेंज है, ठीक है, इसका डबल रेंज दोनों का ही है, मतलब दोनों का ही डबल डबल रेंज इसमें होगा। अभी गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट और गाइस अभी बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट जो होने वाला है अपना MP40 का स्किन, एकदम खतरनाक वाला गाइस, एकदम खतरनाक वाला MP40 का स्किन होने वाला है। ये देख सकते हो गाइस ये जो अपना MP40 है भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसकी एट्रीब्यूट सभी लीक्स में नहीं निकल के आई है लेकिन गाइस इसके एट्रीब्यूट्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि आपको मालूम है जो भी नई गन स्किन आती है उसकी पुराने वाले से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। तो पुराने वाले आपको मालूम है कोबरा की आई रखी थी जिसकी एट्रीब्यूट्स भाई एकदम भगवान लेवल की थी, तो भाई इसका सोच सकते हो कुछ ज़्यादा उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अभी गाइस ये बोल लो कि ये चीज़ें क्या है भाई, ये क्या दिखा दिया तूने। तो गाइस ये है अपना नेक्स्ट डायमंड रॉयल का बंडल, ये गाइस हो सकता है या फिर एक और दिखाऊंगा वो हो सकता है, इन दोनों में से कुछ एक आएगा लेकिन कंफर्म बता रहा हूँ जो अभी बताए ये एकदम कंफर्म है, ये या फिर इसके बाद जो दिखाऊंगा उन दोनों में से कोई एक देखने के लिए मिलेगा। वैसे गाइस ये तो मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि अभी तक ये इंडिया सर्वर में अभी तक नहीं आए, बहुत सारे सर्वर में आ चुका है। और अभी गाइस ये बंडल आपको कैसा लगा, मतलब मुझे तो यार कोई बढ़िया लगा नहीं है, इसका कुछ भी एनिमेशन इसमें अच्छा लग नहीं रहा। वैसे गाइस क्या डायमंड रॉयल में आएगा, तो क्या आप इस बंडल को निकालोगे कि नहीं, एक बार कमेंट में बता देना यार क्योंकि मैं भी कमेंट पढ़ता रहता हूँ, आप लोग ज़्यादा कमेंट नहीं करते हो, कमेंट कर देना। अभी जो गाइस बताने वाला हूँ ये वाले बंडल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि गाइस बहुत सारे सर्वर में चल रहा है अपने डायमंड रॉयल, बहुत सारे सर्वर में जैसे कि अपना चल रहा है यूरोप सर्वर में यही वाला डायमंड रॉयल इसी का, तो देख सकते हो ये वाला डायमंड रॉयल अपने इंडिया सर्वर में भी आ सकता है क्योंकि इसमें मतलब जो डायमंड रॉयल का एक होता है ना कि भाई डायमंड रॉयल में देखने वाला उसी तरीके का लग रहा है ये डायमंड रॉयल। वैसे गाइस आपको क्या लग रहा है, इस बंडल को आप निकालोगे कि नहीं, कमेंट में बता देना यार। मैं तो भाई पक्का निकालूंगा, मैं सारे डायमंड रॉयल निकालता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिक बताऊँ जिससे आपका सारे डायमंड रॉयल निकल जाए तो कमेंट में एक बार बता देना, ठीक है, मैं आपके लिए अगर 50-60 कमेंट आ गए तो मैं पक्का उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप बहुत सारे वाउचर कलेक्ट कर सकते हो मेरे, क्योंकि आपको मालूम है मेरे पे बहुत सारे वेपन रॉयल वाउचर और डायमंड रॉयल वाउचर रहते हैं। तो गाइस ये जो अभी देख रहे हो ये है अपना नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल जो कि अपना नेक्स्ट अपडेट के बाद देखने के लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना सभी दोस्तों में, और आपको मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना मगर भूलिए मत, ओके।